आज हम बता रहे हैं आपको स्टाइलिश कुर्ती, जो कि बच्चियां पहन के बहुत ही खूबसूरत लगती हैं, टाइट्स के साथ, जीन्स के साथ, किसी के साथ भी पहना जा सकता है। तो देखें, इसके आस्तीन भी जो है वो हमने बलून स्टाइल वाली आस्तीन बनाएंगे। और इसमें यहाँ देखें, सेंटर में प्लेटें डाली हैं। सेंटर में मैंने पहले बॉक्स प्लेट एक डाली है, उसके बाद दो साइडों में और प्लेटें डाली हैं। तो चलें हम इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, ये मेरा 2.5 मीटर कपड़ा है और मैं सबसे पहले कपड़े को सीधा करूँगी, फिर उसका नाप लूँगी। तो इस तरह डबल करते हुए हमें कपड़े में से कोई भी बल है तो वो निकाल देना है। अब सबसे पहले हमें लंबाई लेनी है, तो लंबाई मैं तैयार रखूँगी 36, जिसके लिए मुझे लेनी है 38 इंच लंबाई। तो ये मैंने 38 पे यहाँ इस तरह निशान लगाया और इसको मैं डबल कर लिया। अब इसमें से फ्रंट और बैक को मैं अलग अलग कर लूँगी। अब ये हमारा फ्रंट साइड है, इसके अंदर हमें प्लेटें डालनी है। तो मैं आपको बताती हूँ किस तरह प्लेटें डालेंगे हम। अब देखिए, मैं इसमें बॉक्स प्लेट बनाऊँगी और देखिए मैं इसकी लंबाई रखूँगी 10 इंच। 10 इंच पे मुझे प्लेट डालनी है, तो मैं यहाँ पर निशान लगा लूँगी। फासले पर निशान डाल के हम पूरी एक लाइन डाल लेंगे। ये हमने लाइन डाल ली है, इसी तरह हमें यहाँ पे भी डाल देनी है। तो एक प्लेट में सेंटर में बनाऊंगी, सेंटर से मुझे यहाँ पे निशान लगाना होगा यहाँ से, और पूरी यहाँ तक की मैं 10 इंच तक की जो मैंने मार्क किया है यहाँ तक की मैं सिलाई लगाऊंगी। अब 2 इंच यहाँ से मुझे छोड़ना होगा गैप देके, फिर उस 6 इंच की एक और प्लेट डालेंगे हम। यहाँ से इस तरह इसको पकड़ूंगी मैं और 6 इंच की एक और प्लेट डाल दूंगी, यहाँ पे सीधी लाइन डाल दूंगी। सिलाई लगा के आपको बताती हूँ किस तरह हमें डालनी है। अब देखें, ये बॉक्स प्लेट खोलने के लिए मैं यहाँ पे सेंटर में कट लगा दूंगी। सबसे पहले हमें सेंटर वाली खोलनी होगी और ये जो हमने कट लगाया है ये सिलाई के ऊपर रखेंगे हम, तो हमारी प्लेट बिल्कुल बराबर आएगी। इस तरह खोल के हम इस तरीके से इसको प्रेस कर देंगे। अब जो ये दूसरी वाली प्लेट डाली है इसको भी इसी तरह खोल देंगे हम। हमें बैक पार्ट लेना है अपना, तो ये बैक पार्ट है हमारा। ये बैक की मैंने लंबाई तो उसी वक्त निकाल ली थी, अब मैं चौड़ाई ले रही हूँ इसकी तकरीबन 15 इंच, क्योंकि ये फ्रॉक वाला लुक आएगा तो मैं इसकी जो चौड़ाई ले रही हूँ 15 इंच इस तरह डबल में है हमारा। और इसके ऊपर हम अपना फ्रंट वाला रखेंगे जिस पर हमने प्लेटें डाली हैं, इस तरह बराबर मिलाते हुए रखेंगे इसको। जो कमीज़ की हमारी नॉर्मल कटिंग होती है हमें वही करनी है। यहाँ से शोल्डर लेंगे हम 7 इंच, ये स्मॉल साइज़ है तो मैं इसका शोल्डर रखूँगी 7 इंच। यहाँ से मोंडा भी मुझे 7 इंच का ही लेना है। अब देखें, ये कमर की लंबाई है, इस मैंने 7 इंच पे रखी है और यहाँ से मैं पूरा इसको सीधा ले जाऊँगी। जो ये शेप आ रहा है इसी शेप में इसको कटिंग कर दूँगी मैं। अब यहाँ से हमें नेक का निशान लगाना होगा, 3 इंच पे हम नेक का निशान लगाएंगे। और यहाँ से देखें, पीछे की जो नेक है वो मैं कम रखूँगी, तकरीबन रखूँगी 3 इंच। और जो फ्रंट वाला होगा उसकी मैं रखूँगी यहाँ पे टोटल लंबाई गले की 5 इंच। यहाँ मैं 5 इंच पे भी निशान लगा लेती हूँ। एक बॉक्स बना देंगे हम, अब गले को शेप दे देंगे। यहाँ से इस तरह हमें क्रॉस वाली कटिंग करनी होती है। देखिए, हमने इसकी कटिंग कर ली है, यहाँ से ये क्रॉस वाली कटिंग होगी। ये नेक का निशान लगा रही हूँ मैं चारों पे एक साथ, फिर मैं दोनों को अलग अलग करके काट लूँगी। तो ये मैं पहले फ्रंट वाला काट रही हूँ।
और अब ये बैग वाला काट रही हूँ जो मैंने 3 इंच पे निशान लगाया था। अब मैं ये फ्रंट वाला साइड है इसको 1 इंच यहाँ से गहरा कर दूँगी। अब यहीं पे मैं फिटिंग के निशान लगा लेंगे, तो मुझे रखना है ये तकरीबन 19 इंच, तो मैं रखूँगी यहाँ पे 9.5 इंच। 9.5 इंच पे मैं यहाँ चेस्ट का निशान लगाऊंगी। सात इंच पे यहाँ से हल्का सा डीप देंगे हम, ज़्यादा नहीं। उसके बाद हमें सीधी सिलाई लेनी होगी, यहाँ पे चौक बंद होंगे इसके। अब हमें आस्तीन बनानी है इसकी। तो देखिए ये लंबाई के बाद जो मेरे पास कपड़ा बचा था मैं उसी में से आस्तीन बना रही हूँ। आस्तीन की चौड़ाई थोड़ी हमारी कम आ रही है। आस्तीन हमें रखनी है तकरीबन 9 इंच, तो मैं इसमें यहाँ पे इसमें से जोड़ लगा दूँगी तो ये हमारी आस्तीन पूरी आ जाएगी। इस तरह यहाँ हम जोड़ लगा देंगे तो ये हमारी आस्तीन पूरी आ जाएगी। तो फिर मैं जोड़ लगा के फिर कटिंग करूँगी इसकी। तो देखिए हमने गला छोटा रखा है तो ये सर में नहीं जाएगा, जिसके लिए मैं यहाँ से 2 इंच का खोलूँगी पीछे से गला। तो ये मैं इसमें बटन की पट्टी लगाऊंगी। बटन की पट्टी इस तरह है, ये हमने इतना तकरीबन चौड़ा कपड़ा लिया है, ये तकरीबन 4 इंच की मैंने चौड़ी पट्टी ली है और इसको मैंने इस तरह काटा है। तो एक तरफ से ये मेरा पतला साइड है और एक तरफ से चौड़ा साइड है। तो ये मैं लगाना बता रही हूँ आपको, बस इतना सा खोलेंगे हम तो ताकि हमारा आराम से सर चला जाए। अब हम इसको इस तरह रखते हुए यहाँ पे ऐसे करके सिलाई लगा देंगे और फिर इसको पीछे की तरफ टर्न कर देंगे। अब देखें जहाँ हमारी सिलाई की नोक आ रही है वहाँ तक मैं कट लगा दूंगी यहाँ तक। देखिए जो पतली वाली पट्टी थी मैं इसको बराबर से मोड़ दूंगी, एक को मैंने बढ़ा के मोड़ा है और दूसरी को मैं बराबर से मोड़ के यहाँ पे सिलाई लगा दूंगी। तो देखिए अब इसके अंदर गले में पट्टी लगाएंगे और पट्टी को मैं आड़ी पट्टी के लगाऊंगी इसके गले के अंदर। तो ये आड़ी पट्टी है हमारी, इसको इस तरह करके डबल कर लेंगे और ये पट्टी हमारी बहुत आसानी से लग जाती है, हर कोई लगा सकता है। सिलाई लगाते वक्त हम पिने निकाल लेंगे। तो देखिए इसके अंदर मैं आड़ी पट्टी लगा के इसको सिलाई लगा दूंगी गले को। यहाँ पे हल्के हल्के कट लगा लेंगे हम। अब देखें इसको अंदर की तरफ टर्न करूंगी मैं यहाँ बैक साइड पे, ये बिल्कुल सफाई से गोल गला बन जाएगा हमारा। अब देखें ये फ्रंट साइड का तैयार है मेरा। अब मैं इसका इसमें शोल्डर ज्वाइन करूंगी बैक को मिलाते हुए। इस तरह शोल्डर ज्वाइन करने से हमें ये फायदा होगा कि हम इस अब देखिए मोंडे पे डबल सिलाई लगाते हैं हम। अब ये देखें हम यहाँ से इसको इस तरह दबाते हुए दबाएंगे तो ये हमारे बिल्कुल भी यहाँ मोंडे से शोल्डर से धागे वागे कुछ भी नजर नहीं आएंगे। अब देखें मैं इसकी फिटिंग करूँगी। फिटिंग का निशान भी हमने कटिंग के टाइम पे ही लगा लिया था तो अब हमें कोई मुश्किल नहीं होगी, हम आराम से फिटिंग कर लेंगे इसकी। इसी तरह दूसरी साइड की भी फिटिंग कर लेंगे हम। तो देखें अब मैं इसकी आस्तीन तैयार कर रही हूँ। सबसे पहले हमें आस्तीन की लेंथ लेनी है, तो मैंने इसके अंदर आस्तीन की लेंथ ली है, ये मेरी आ रही है 20 इंच।
अब हमें इसकी चौड़ाई लेनी है, तो चौड़ाई मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, इसकी चौड़ाई मुझे लगती है तकरीबन 9 इंच। अब यहाँ से हम 3 इंच कम कर देंगे, उसी तरह जो हम नॉर्मल कटिंग करते हैं आस्तीन की वही कटिंग करेंगे। यहाँ सेंटर पर निशान लगा लूँगी मैं, यहाँ से मुझे हल्का सा शेप देना है, ज़्यादा नहीं। वो वजह ये है कि मैं यहाँ पे पाइपिंग लगाऊंगी और उसमें थोड़ी चुन डालूंगी यहाँ पे। अब हमारे पास जो कपड़ा है इसको हम ओरेप करेंगे और इसकी ओरेप पट्टियाँ काटेंगे। तो यहाँ से पहले हम 2 कर लेंगे। अब तकरीबन 1.5 इंच चौड़ी मुझे पट्टी काटनी है। इसकी चौड़ाई कितनी आ रही है, तो ये मेरे पास इस वक्त कम आ रही है, तो मुझे हल्का सा यहाँ पे ज़रा सा जोड़ लगाना पड़ेगा दोनों साइड पे। हम इसका जोड़ इस तरह लगा देंगे, इसका कॉर्नर दोनों में यहाँ पे मिलाते हुए सिलाई लगा देंगे। देखिए हमने ये और एक सीधी पट्टी बना ली है। अब दोनों पट्टियाँ आस्तीन की इसमें से निकालूंगी मैं, मैंने यहाँ से कट करके सीधा कर लेंगे। और आस्तीन का जितना होल होता है हमारा, हमें उतना रखना होगा ये। तो आस्तीन का होल हमारा तकरीबन ये आएगा 5.5 इंच। तो देखें ये 5.5 इंच के अंदर 1 इंच और मैं बढ़ा लूँगी, तो ये आएगा 11.5 इंच। 11.5 इंच की एक पट्टी लूँगी मैं और इससे ही बड़ी दूसरी पट्टी लेनी है मुझे। अब हमारी ये जो ये आस्तीन है इसमें हम यहाँ पे सेंटर में निशान लगाएंगे, एक कट का एक में लगाया और इसी तरह दूसरे में लगा लेंगे। अब यहाँ पे मैं मशीन की बड़े बखिये की सिलाई लगाऊंगी और फिर इसमें चुन देते हुए इस पट्टी को इसमें जॉइंट कर देंगे। इसको हम पीछे की तरफ से लगाएंगे, यहाँ से लगा के इसको ऊपर की तरफ टर्न कर देंगे। यहाँ से देखें हम इसको इस तरह डबल करेंगे पट्टी को, यहाँ पे बिल्कुल यहाँ किनारे पे सिलाई लगाते जाएंगे। तो देखें यहाँ पाइपिंग लगाने के बाद इस तरह हमारी आस्तीन ये तैयार हो गई है। और हम इसको यहाँ से बंद करेंगे, यहाँ से हमें जितना अपना आस्तीन रखनी है उतनी अपनी आस्तीन रखने के बाद यहाँ से सीधी सिलाई लगा लेंगे इसमें। अभी देखें दोनों आस्तीनें हमारी तैयार हैं। अब इसको हम शर्ट के अंदर लगाएंगे, तो उसको हमें उल्टा करना होगा और इसको यहाँ से बढ़ाते हुए यहाँ पे कट लगा लेंगे हम। अब आस्तीन को हम अंदर डालेंगे इसमें। अब इसके अंदर देखें यहाँ पे मैंने इसका सेंटर यहाँ से मिला दूंगी और बीच में जो भी झोल आ रहा होगा वो यहाँ शोल्डर पे चुन दे दूंगी हल्की सी। इसी तरह मैं यहाँ से देख लूँगी इसको इस तरह घुमा के, तो मेरे पास कितना कपड़ा फालतू आ रहा है, तो हल्की सी चुन मुझे इस तरफ भी देनी होगी। अब देखिए यहाँ हल्की सी चुन आ गई है और जिस तरह मैंने ये एक आस्तीन लगाई है उसी तरह मैं दूसरी भी लगा दूँगी। अब देखिए मैंने इसकी दोनों आस्तीनें भी इसमें जॉइन कर दी है। अब हम इसको नीचे से इस तरह डबल फोल्ड करते हुए मोड़ देंगे। देखिए ये शर्ट तैयार है।